नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही जो कॉमन प्रॉब्लम होती है जब आप बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको इससे फ़ायदा होगा। तो अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको जो होगी वो तो आवाज़ निकालने में होगी, लेकिन अगर वो आप पूरी कर पाते हैं उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है वो होती है सरगम बजाने में। जैसे आपने स बजा लिया, फिर रे बजाया, फिर ग बजाया, फिर म बजाया, फिर जो प्रॉब्लम आती है वो म के बाद पा कैसे बजाएं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप स्टार्ट करते हैं फ्लूट बजाना। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो देखने के बाद ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो एक बार सुन लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है और उसको किस तरह से सही करना है। तो सबसे पहले अपन सही तरीका सुनाता हूँ आपको मैं। ये तो हुआ नॉर्मल सरगम जो हम बजाते हैं, लेकिन अब जो प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ वो एक बार सुनिए। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई कि वो सिर्फ एक ही ऑक्टेव में रह पाते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए इस जो सिंपल फ्लूट है उसमें हमारे दो राउंड हैं। दो राउंड कैसे, जो 6 होल हैं हमारे, पहला राउंड एक एक करके मतलब सबको कवर किया वो पहला राउंड हुआ। फिर दूसरे राउंड में फिर हम नेक्स्ट ऑक्टेव में जाते हैं। यहाँ पर ऑक्टेव का मतलब सिर्फ आप ये समझिए कि एक बार सारे होल्स कवर करने के बाद फिर से दूसरी साइकिल में हाई आवाज़ पर, मतलब कि थोड़ी पतली आवाज़ हो जाएगी, पिच जो हम पिच बोलते हैं वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जैसे स्टार्टिंग्स में आपको बताता हूँ, यहाँ से बजा के दिखाता हूँ कैसे कैसे पिच बढ़ती जाती है। तो ये हमारा पहला राउंड जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हमने देखा कि पिच धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको आवाज़ को सुनना है कि किस तरह से बढ़ती जाती है। अब बात आती है कि म के बाद प कैसे बजाएं। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 होल्स को क्लोज करके आपने सा माना है, तो जो म होगा वो हम इस तरह से बजाते हैं। जो सबसे पहला होल है, जो जहाँ से हम फूंक मारते हैं उसके सबसे नज़दीक वाला होल, उसको लगभग 20% खोलना होता है। यानी कि जब ये पूरा होल है हमारा, तो इतना आप ऑलमोस्ट खोल सकते हैं, इससे आपको म साउंड सुनाई देगा। फिर म के बाद प पर हम सारे होल्स क्लोज करते हैं। तो जब हम सारे होल्स क्लोज करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है, या तो आवाज़ नहीं निकलती, या फिर मोटी आवाज़ निकलती है, या फिर जो हम निकालना चाह रहे हैं वो नहीं निकलता और कुछ निकल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो फूंक की इंटेंसिटी है उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। आप ये ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हम सरगम पे आगे जाते जाते हैं, सारे गामा प धा निसा, वैसे जो उसकी पिच होती है, जो उसकी आवाज़ होती है वो तीखी होती जाती है, यानी कि थोड़ी मोटी से पतली की तरफ। तो जब आप ये मह हुआ, अगर आपको मोटी आवाज आ रही है आपसे, तो आप थोड़ा जोर लगाइए अपनी फूंक पर। आपको ये लाना है कि म के बाद जो प होगा उसमें जो आवाज है वो पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं। ये मह हुआ, ये आवाज थोड़ी और पतली, यानी उसकी पिच जो है वो थोड़ी बढ़ गई। तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख के करेंगे तो वीडियो देख के आ जाएगा, ऐसा नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार आपको साउंड जो है वो बेकार आएगा, यानी कि कभी कभी निकलेगा ही नहीं जब आप सारे होल्स क्लोज करेंगे। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस आएगा, और अपनी फूंक की इंटेंसिटी है उसको आप वेरी करके देखिए, मतलब कि थोड़ा कम ज़्यादा करके देखिए कौन सी जगह पर जो साउंड है वो लो ऑक्टेव का आ रहा है, कौन सी जगह पर मीडियम ऑक्टेव का आ रहा है। तो वो साउंड आपको नोट करना है और वो आगे के लिए ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको म के बाद प बजाना है। एक बार मैं आपको फिर से सुना देता हूँ जो प्रॉब्लम होती है और जो ओरिजिनल होता है। यहाँ पर अपनी फूक की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाई है। ठीक है, अब आपको लो ऑक्टेव में जाना है। तो इस तरह से आप लो ऑक्टेव में जाइए।